उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक करीब 15% वोटिंग हुई है। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा क्षेत्र लखनऊ और सपा का गढ़ समझे जाने वाले कन्नौज, मैनपुरी और इटावा के तहत आने वाली विधानसभा सीटें शामिल हैं। फरुखाबाद, हरदोई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर सहित 12 जिलों के विधानसभा क्षेत्र इस चरण में हैं। मतदान के शुरुआती दौर में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। इन दोनों ही नेताओं ने जहां अपनी जीत का दावा किया, वहीं लोगों से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में मतदान किया। उन्होंने कहा कि यूपी की खुशहाली के लिए उन्होंने अपना वोट दिया है। यूपी के सीएम ने कहा कि हाथ का साथ मिलने के बाद राज्य में साइकिल की रफ्तार बढ़ी है। मतदान की अवधि सुबह 7 से शाम 5 बजे तक है। तीसरे चरण में कुल 886 प्रत्याशी हैं। कुल 2,41,00,000 मतदाताओं को उनके भाग का फैसला करना है। मतदाताओं में 1,10,00,000 महिलाएं हैं। इस चरण में वोटिंग के लिए 25,603 मतदान बूथ बनाए गए हैं। सबसे अधिक 21 प्रत्याशी इटावा में किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार हैदरगढ़ यानी कि बाराबंकी में हैं। लखनऊ पश्चिम और मध्य में 17-17 उम्मीदवार हैं। तो तीसरे चरण में कई दिग्गजों के फैसले के लिए मतदान जारी है। 11 बजे तक 15% मतदान हो चुका है। पिछले 2 चरणों में मतदान ने 65% का आंकड़ा छुआ था। तीसरे चरण के मतदान की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव।